हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल। मैं आज आपको बताऊंगी पौधों की केयर कैसे करें। ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया है और काफ़ी बुशी प्लांट है। ये मैंने किसी गार्डन से पौधा लिया था और गमले में ही मैंने लगाया है और कितनी अच्छी ग्रोथ है। मैंने इसमें थोड़ी सी खाद, मिक्सर खाद और वेजिटेबल के छिलके वगैरह डाल दिए हैं और देखिए कितनी ग्रोथ अच्छी है। अपने प्लांट की ज़्यादा से ज़्यादा केयर कीजिए, सुबह शाम पानी दीजिए। और इस समय गर्मी है, मेरे यहाँ तो बारिश एक बार हुई थोड़ी सी, उसके बाद फिर बारिश नहीं हुई। आप ही अपने प्लांट को थोड़ा सा देख रेख कीजिए और देखते रहिए कि इसमें क्या चीज़ की कमी है, और पानी नहीं है तो पानी दीजिए। ये मेरा देखिए, ये तुलसी का पौधा है, ये मैंने बीज से ही ग्रो किया है और इतना अच्छा ग्रो हो गया है। और इधर ये छुईमुई का प्लांट है और ये काफ़ी बहुत ही बड़ा प्लांट हो गया है। इसको मैंने अभी छुआ तो इसकी पत्तियां थोड़ी मुरझा सी गई हैं। और ये छोटे से गमले में लगा है, इसको मैं शिफ्ट करूँगी और इसमें सुबह शाम पानी मैं ज़रूर देती हूँ। और इधर देखिए मैक्सिकन, ये मॉस रोज है और ये मैंने सब प्लास्टिक वाले डिब्बे में मैंने लगा रखा है। इसमें मैंने अपने घर की ही मिट्टी इसमें डाली है और थोड़ी सी मिक्सचर खाद मैंने रखी है और मैं पानी देती हूँ। और इसमें ग्रोथ देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, देखिए कितने बड़े बड़े ग्रोथ हो गई है। और बस ज़रा सा थोड़ी सी देखभाल करनी है, देखिए कितना घना प्लांट हो गया है। और सभी में ऐसे ही हो गया है, मैंने थोड़ा थोड़ा सा मैंने कट करके लगा दिया था इस तरीके से, ऐसे बस मिट्टी में मैंने ऐसे दबा दिया था। और देखिए और बहुत अच्छे से ये चला जाता है। और ये देखिए मेरी कैट है और बहुत अच्छा सा ग्रो हो गया है। और ये देखिए मेरी कैट, इसको हटा रो, ये भी आ गई है, बहुत शैतान मेरी कैट है। ये देखिए साथ ही में लगी रहती है। और ये देखिए ये मेरा सदाबहार का प्लांट है और मैंने बहुत ही इसको ये मैंने भी प्लांट नर्सरी से 20 रुपीज़ में बाय किया था। इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी है। और इसमें मैंने नीचे से सीड डाले थे सदाबहार के, ये छोटे छोटे पौध जमे हैं, इसको मैं अलग करूँगी। ये देखिए ये भी जमा हुआ है और काफ़ी हेल्दी प्लांट हो गया है। इसमें भी मैंने मिक्सचर खाद मैंने डाली है। और इस तरीके से आप भी पौधों का ध्यान रखिए। ये अपराजिता का है, ये भी 1-2 साल का हो रहा है और ये मैंने बाल्टी में लगा रखा है। इसमें मैं भी थोड़ा सा मिक्सचर खाद डालती हूँ। और ये देखिए मेरा हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है, इसको आप कली खिलने के बाद ऐसे आप इसको तोड़ के डाल काट सकते हैं, जिससे नया फ्लावर आएगा। और देखिए ये नीचे लगे हुए हैं गमले में, ये इस तरीके से फ्लावर आए हैं। और ये देसी गुड़हल है और ये देखिए फ्लावर, ये भी है, ये मैंने प्लांट से खरीद के नर्सरी से ग्रो किया है। और ये देखिए बहुत अच्छे मेरा सदाबहार है, ये भी नीचे लगा हुआ है और ये भी 20 रुपीज़ में मैंने प्लांट ग्रो किया है। मैं इसमें नीचे ये एक्जोरा का प्लांट है, ये भी मैंने 50 रुपीज़ का ऐसे ही मैंने परचेस किया था। इसलिए सब इसमें मैं प्लांट को दोनों टाइम ही मैं पानी देती हूँ। और सब्ज़ी के छिक्कल वगैरह ज़्यादा मैं यूज़ करती हूँ। और देखिए कितने अच्छे मेरे प्लांट हैं, मैं सुबह शाम में पानी ज़रूर देती हूँ। आप अपने पौधों को भी सुबह शाम ज़रूर। और ये कनेर का है, वाइट कनेर का है, मेरे पास येलो भी कनेर है,
जो मैं अभी दिखाऊंगी। इसमें भी ये गमले में लगा है, इसमें मैंने मिक्सचर ही खाद डाली है, लेकिन पौधों को हरा भरा रखने के लिए पानी की बहुत ही ज़रूरत है। और ये गोरी चोरी का प्लांट है, ये भी नीचे लगा हुआ है, इसकी हेल्थ देखिए, ये भी बढ़ते चला जा रहा है, इसमें फ्लावर नहीं आया और काफ़ी ग्रोथ अच्छी है। ये हाइब्रिड गुड़हल का प्लांट है, इसमें मैं वेजिटेबल्स के छिलकल वगैरह और मिक्सचर मैंने खाद डाली, इसमें बहुत ही बड़ा सा फ्लावर आता है। आप भी अपने गार्डन में खाद को ज़रा ध्यान दीजिए और हर पौधे में भी पानी जरूर दे दीजिए, जिस तरीके से आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। और ये देखिए मेरा ये नीचे गमले में लगा है मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर, आप देख लीजिए कैसे मैंने इसको एक लोहे की छड़ी से मैंने किया है और इतनी दूर ये जा रहा है, देखिए सब फ्लावर भी लगे हुए हैं। आप भी अपने गार्डन में बस ज़रा सी देखभाल कीजिए और अच्छे अच्छे फ्लावर पाइए। ये देखिए ये मेरा ये भी कनेर है, ये वाला कनेर ऑरेंज कनेर है और जिससे पौधों में हरा भरा है। ये नीचे ग्राउंड में लगा है और काफ़ी बहुत ही बड़ा सा प्लांट हो गया है और मैं इनको पानी ज़रूरी देती हूँ और